हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 12 में आज हम गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने में हेल्पफुल था। व्हाट इफ आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड ने। इसको आप गॉस सीडल मेथड भी बोल सकते हैं। आइटरेटिव मेथड इसलिए कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इसके अंदर वेरियस आइट्रेशंस परफॉर्म होती हैं और देन हम आंसर पे अराइव करते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल इन्होंने लिया है। आपको मालूम है a11, a22, a33, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम पाइवट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड का मेन मोटिव ये है कि जो पाइवट एलिमेंट है, दैट मीन्स a11, a22, a33, ये कॉफिशियंट्स हैं इनके, ये जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, आप तभी इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो कॉफिशियंट्स हैं ये आपके न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कॉफिशियंट्स माने जाते हैं। अब ये जो थ्री इक्वेशंस हैं आपके पास, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं वो देखते हैं। आपका मेन मोटिव ये है कि आप इन थ्री इक्वेशंस में से जो पाइवट एलिमेंट के साथ जो वेरिएबल है उसको अलग कर लीजिए। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में से आपको इसको अलग करना है, सेकंड में से इसको, और थर्ड इक्वेशन में से ये वाले एलिमेंट को आपने अलग कर लेना है, एंड देन उसके ऊपर हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x1 की जो टर्म है उसको सेपरेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a11x1 इज इक्वल टू, जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप इक्वल टू के इधर वाली साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे b1 है माइनस a12x2 माइनस a13x3। यहाँ पे हमने सिर्फ x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो इसका कॉफिशियंट है वो इधर डिविडेंड में चला जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 1/a11 b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में से x2 को सेपरेट करना है, जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन के अंदर करा था। यहाँ पे x2 यहाँ पे आ जाएगा 1/a22 ब्रैकेट b2 माइनस a21x1 माइनस a23x3। सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन के अंदर x3 को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे x3 आ जाएगा 1/a33 b3 माइनस a31x1 माइनस a32x2। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी फर्स्ट पाइवट एलिमेंट की, सेकंड इक्वेशन में से सेकंड पाइवट एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, और थर्ड इक्वेशन में से हमने थर्ड पाइवट एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आपको अब काम क्या करना है, आप इन्हीं थ्री वैल्यूज के ऊपर हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। वो कैसे होगा, ये बताना चाह रहे हैं कि इनिशियली हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इनिशियली आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जीरो आइट्रेशन पे है ये, ठीक है। जैसे ही आपकी x1 की वैल्यू आ जाती है, तो उसको आप अपनी अगली इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे। इसका नाम हम 1 बोल सकते हैं, इसको नंबर हमने इसको 1 दे दिया। यहाँ पे जो आपके x1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसको आप अपनी x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज होगी। अब x3 की वैल्यू वही प्रीवियस वाली रहेगी, जो कि थी 0। तो ये भी आपकी सारी की सारी भी फर्स्ट आइट्रेशन ही यूज हो रही है। अब यहाँ से आपने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो अब आप क्या करेंगे, x2 जो अभी आपने निकाला उसको आप नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर यूज करेंगे। x1 आपका वही 1 ही रहेगा, क्योंकि अभी आप x1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि हर इक्वेशन में से आप पाइवट जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इनिशियली आप जो स्टार्ट करेंगे वो 0-0 से करेंगे। x1 की जो वैल्यू आएगी वो अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने में यूज होगी, फिर वहां से जो वैल्यू आएगी वो फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होगी। इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप वहीं से इसको पिक करेंगे, और x2 की भी जो आपने पहले से निकाली हुई थी वैल्यू उसको यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन आप x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारा काम जो है वो आपकी फर्स्ट आइटरेशन का है। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, कंप्लीट 1 आइटरेशन। और आपको तब तक ये आइटरेशन करते रहना है जब तक आपका जो आंसर है वो सिमिलर ना आ जाए। लास्ट 2 आइटरेशन का आंसर जैसे सिमिलर आ जाता है, वहीं पर हम स्टॉप करेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अब मूव करते हैं इक्वेशन पे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड।
ये आपको थ्री इक्वेशंस गिवन है, हम इनके नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2 एंड 3। जैसे कि हमने प्रीवियसली फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट पाइवट एलिमेंट को अलग किया था, सेकेंड में से सेकेंड और थर्ड में से थर्ड एलिमेंट को, ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको आप अलग कर लीजिए जैसे कि हमने प्रीवियसली करा था। तो इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये कैसे आएगा इसका आंसर, x इज इक्वल टू 1/27 85 - 6y + z। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में से आपने y को सेपरेट करना है तो y को इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा 72 - 6x - 2z। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में से थर्ड एलिमेंट को z को सेपरेट करेंगे तो z इज इक्वल टू 1/54 110 - x - y। तो ये आपकी क्या बन गई, न्यू इक्वेशंस बन गई। अब आप जितनी भी आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे आप इन्हीं थ्री इक्वेशंस के ऊपर ही परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन पे स्टार्ट होते हैं, जो इनिशियली आपकी y और z की वैल्यू जो है वो आप जीरो सपोज करेंगे, ठीक है, एंड देन x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनिशियली टेक y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो वो हमें खुद से करनी है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y और z को आप 0 पुट करिए, अकॉर्डिंगली आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। x फर्स्ट इटरेशन है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x1 इज इक्वल टू 1/27 85 - 60 + 0। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आ जाएगा 85 / 27। इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लीजिए आप, 85 / 27 आपके पास आंसर आ गया 3.148। डेसिमल प्लेसेस तक आप डिजिट कंसीडर करें और बाकी सबको ट्रंकेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 3.14। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो इसलिए हमने 2 डिजिट तक ही ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई और हमारा रूल ये कहता है कि जो आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आप नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी हमने समझा, आप यहां से जो आपकी x1 की वैल्यू आएगी उसको आप अगले x2 की वैल्यू निकालने के अंदर यूज करेंगे, फिर x2 की जो वैल्यू आएगी उसको आप x3 की वैल्यू निकालने के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये सारा काम जो है अभी हमारा फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ही हो रहा है, जैसे ही आपके पास तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी वहीं पे आपकी पहली आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आई है, दैट मीन्स अभी हम फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, y फर्स्ट आइटरेशन का। y का कहता है 1/15 72 - 6 x - 2 z। अब देखिए कहा गया है कि अब जब हम y1 निकालने की कोशिश करेंगे तो उस समय जो हमारा x होगा वो जो अब रिसेंट जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे। अभी रिसेंट हमने क्या निकाला, 3.14, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 3.14। z वही आपका जो प्रीवियस था 0, उसी को लेके चलेंगे, दैट इज 0। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.54। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, y1 का। अभी हमने z1 फाइंड आउट करना है तो z1 के केस के अंदर हमने जो x1 और y1 फाइंड आउट किया है वो हम यूज करेंगे। पहला है z1, तो z1 के केस में आपका जो x1 रहेगा वो ये रहेगा 3.14 जो भी आपने निकाला, और y1 क्या रहेगा आपका 3.54, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 1/54 110 - x - y, तो 1/54 110 - x है आपका 3.14 और y है 3.54। इसको सॉल्व आउट करिए, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.91, ये है z1। आप देख सकते हैं z1 की ये वैल्यू है आपके पास, y1 की ये वैल्यू है आपके पास और x1 की ये वैल्यू है, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड आइट्रेशन में। सेकेंड आइट्रेशन में हमने जो अभी वैल्यूज निकाली हैं x1 की, y1 की और z1 की, उसको यूज करेंगे।
ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इनिशियली हमने x फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए y और z को हमने जीरो एज्यूम करना है। तो जो x आएगा उसको हम y निकालने के अंदर यूज करेंगे और जो z है उसको एज इट इज रखेंगे। फिर जो हमारे पास y आ जाएगा उसको हम नेक्स्ट वैल्यू को निकालने के अंदर यूज करेंगे, और x वो रहेगा जो आपने रिसेंट निकाला, और y भी वो रहेगा जो आपने अभी अभी रिसेंटली निकाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आइटरेशन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं इन दिस टेक x1, आपका x1 कितना है 3.14, y1 है आपकी वैल्यू 3.54 एंड z1 है 1.91। अब हमारी क्या है सेकेंड आइटरेशन, तो सेकेंड आइटरेशन के अंदर हमने x2 निकालना है। x2 का जो इक्वेशन थी उसको हमने कैसे लिखा था, 1/27 85 - 6y + z। ये आपकी सेकेंड आइट्रेशन है, दैट मीन्स y और z फर्स्ट वाली आइट्रेशन से पिक करेंगे हम। ठीक है, तो 1/27 85 - 6, y1 क्या है आपका 3.54, z1 क्या है आपका 1.91। इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 2.43। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है y सेकेंड आइट्रेशन का। जो y का फॉर्मूला है वो ये कहता है 1/15 72 - 6x - 2z। ठीक है, अब देखिए सेकेंड आइट्रेशन है, तो सेकेंड आइट्रेशन में x जो है वो बिल्कुल इसके प्रीवियस वाला यूज करेंगे, मतलब कि सेकेंड आइट्रेशन वाला, और z जो है अभी तक हमने z की वैल्यू नहीं निकाली, तो इसलिए z जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन वाला ही हम पिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/15 72 - 6, x2 अभी रिसेंट क्या निकाला आपने 2.43 - 2, z है आपका 1.91। इसको कैलकुलेट करिए, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 3.57। यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझने में इजी हो, तो आप भी इसकी नंबरिंग जरूर करें ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि जब हम y2 की वैल्यू निकालें तो उस केस में x बिल्कुल रिसेंट वाला हो जो आपने सेकंड आइट्रेशन में निकाला, और जब आपने x निकाला सेकंड आइट्रेशन के लिए तो उसके अंदर y और z आपके प्रीवियस आइट्रेशन का हम यूज करेंगे। z फाइंड आउट करते हैं सेकंड आइट्रेशन का, z2 लिख सकते हैं उसको। इक्वेशन ये कहती है कि 1/54 110 - x - y। अब इसके अंदर भी x क्या हो, x अभी आपने निकाल चुके हैं तो दैट मीन्स आप x भी सेकेंड आइट्रेशन का ही यूज करेंगे, y भी आपका निकल चुका है तो y भी आप सेकेंड आइट्रेशन का ही यूज करेंगे। 1/54 110 - आइट्रेशन के x की वैल्यू क्या है 2.43, सेकेंड आइट्रेशन के y की वैल्यू क्या है 3.57। इसको आप कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.92। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक वैल्यू रखनी है या अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक वैल्यू रखनी है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड आइटरेशन में x की वैल्यू ये आ गई, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू ये है, सेकंड आइटरेशन में y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस आइटरेशन से वैल्यू डिफर है कि नहीं, जैसे आपकी x की वैल्यू 3.14 थी और अब आपकी वैल्यू आई है 2.43, दैट मीन्स डिफरेंस है। तो हमें एक आइटरेशन और करनी पड़ेगी, जहां पे हमें आंसर सिमिलर मिलेगा हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। मूव ऑन करते हैं हम थर्ड आइटरेशन पे। इस केस के अंदर हम x, y और z की वैल्यू वो यूज करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस आइटरेशन के अंदर निकाली है, x2, y2 एंड z2। तो हम यहां लिख सकते हैं टेक x2 2.43, y2 3.57 एंड z2 1.92। सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं, ये हमारी थर्ड आइटरेशन है तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया थर्ड से।
इक्वेशन क्या कहती है, 1 डिवाइडेड बाय 27, 85 माइनस 6y प्लस जेड, ठीक है। दैट मीन्स हमें x निकालना है थर्ड एट्रेशन का, तो y और z जो रहेंगे वो आपकी प्रीवियस एट्रेशन करेंगे, तो इसको हमने नंबर दे दिया 2। x3 फाइंड आउट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 27, 85 माइनस 6, y क्या है आपका 3.57 प्लस z है आपका 1.92, x3। इसको कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2.426। अब देखिए ये वाला जो आंसर जो भी आपने निकाला वो आया 2.43 और अभी जो आपने आंसर निकाला वो आया 2.426। अगर इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा, तो हो सकता है कि यही हमारी लास्ट आइटरेशन हो, तो इसलिए इस केस के अंदर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2.43। एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमने क्या वैल्यू निकालनी है, वाई निकालना है, वाई टू क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 15, 72 माइनस 6x माइनस 2z। एक्स क्या होगा, जो अभी आपका रीसेट निकला है, दैट मीन्स थर्ड आइटरेशन से जो वैल्यू आई है। जेड क्या होगा, जो आप प्रीवियसली यूज कर रहे थे इसके अंदर, जो कि क्या है सेकेंड आइटरेशन का। वाई3, 1 डिवाइडेड बाय 15, 72 माइनस 6 2.43 माइनस 2, जेड है आपका 1.92। इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.57। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली सेम आंसर आया है। रीजन बिहाइंड ये है, हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया। अगर आप राउंड ऑफ नहीं भी करते और पूरा कंप्लीट वैल्यू भी पिकअप करते हैं तो भी आपका यही आंसर आएगा। इट इज अप टू यू कि कैलकुलेशन आपको किस वे से करनी है। नेक्स्ट इटरेशन पे मूव ऑन करते हैं, Z3 क्या कहता है, 1 डिवाइडेड बाय 54, 110 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 डिवाइडेड बाय 54, 110 माइनस, यहाँ पे x क्या होगा, जो अभी आपने फाइंड आउट करा, x क्या है थर्ड इटरेशन से और y भी आपका थर्ड इटरेशन से। x है आपका 2.43 माइनस, कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.92। अब आप देख सकते हैं ये भी एग्जैक्टली जो है सेम आंसर आया है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी सेम है x की, y भी सिमिलर आया एंड z भी सिमिलर आया, दैट मीन्स यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है x, y एंड z। तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं Hence, x is equal to 2.43, y is equal to 3.57 and z is equal to 1.92 is required. Answer. है आपका कंप्लीट गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड, जिसके अंदर हम वेरियस आइटरेशंस परफॉर्म करते हैं और अपने आंसर पे अराइव करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस, ये कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा गया है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब जहाँ पे कहा जाएगा कि करेक्ट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस, वहाँ पे आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। आपको हर आइटरेशन के अंदर अप टू 3 डेसिमल प्लेस ही मेंटेन करना पड़ेगा, फिर वो आप ट्रंकेट करें या राउंड ऑफ करें, इट इज अप टू यू। ये हो गया आपका कंप्लीट गॉस सीडल मेथड। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड की जो वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द आईडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।